दोस्तों आज हमने पानी लगाना है, तो पानी लगाने के लिए एक एकड़ की खेजें निकाली पड़ी हैं, जिसमें हम लगाएंगे वैरायटी, अच्छी वैरायटी गोभी की, हाईब्रिड वैरायटी है गोभी की, अगेती वैरायटी है, खेजें निकाली पड़ी हैं। पहले पानी लगाते हैं उसको, क्योंकि आज है हमारा पानी का वारा, और फिर दूसरी फसलों को पानी लगाएंगे। ये देखें जी, हम पानी लगाने की तैयारी कर रहे हैं, नक्के शक्के सही कर रहे हैं ताकि पानी लगने में कोई रुकावट ना हो। दोस्तों आज है हमारा पानी का वारा, लेकिन हमने चेंज किया है अपने हमसायों के साथ, यानी कि पानी का वारा हमने दे दिया उनके खाते में, उनके उसके बदले हम ट्यूबवेल चलाएंगे। उसका मतलब ये है कि ट्यूबवेल का पानी जल्दी नमी ऊपर ले जाता है, ताकि गोभी की पनीरी लग सके, खेलों में नमी जल्दी से आ जाए, जल्दी सेबा ऊपर पहुंच जाए और जल्दी गोभी की पनीरी शिफ्ट हो जाए। इस वजह से हम ट्यूबवेल का पानी लगाएंगे, और पानी का वारा हमने चेंज कर लिया है अपने हमसायों के साथ। दोस्तों ये देखें, ये नहर का पानी आ रहा है इधर से, जो कि हम नहीं लगा रहे, लेकिन वारा हमारा चल रहा है और हमने दे दिया अपने हमसायों को। और ये चल रहा है ट्यूबवेल का पानी, जो कि हम लगा रहे हैं, क्योंकि गोभी काश करनी है, इसलिए गोभी की पनीरी के लिए ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये नमी ऊपर ले जाएगा जल्दी, और गोभी की पनीरी शिफ्ट हो सकेगी। इस तरह ये दो पानी चल रहे हैं, एक ये नहर वाला और दूसरा ये है ट्यूबवेल वाला। दोस्तों नीला थोथा बैंगन के अंदर फ्लड करेंगे, जो कि फंगल अटैक से बचाएगा, और दूसरा जो बैंगन का कलर है, फ्रूट का कलर है, वो शोक बना देता है, जिसकी वजह से मंडी के अंदर डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है। ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर हो तो वही कस्टमर को खींचता है अपनी तरफ। तो जो गोभी लगानी है जिस एकड़ के अंदर, वहाँ पर हम नाइट्रोफास फ्लड कर रहे हैं, और बैंगन की फसल के अंदर हम नीला थोथा फ्लड कर रहे हैं। दोस्तों ये है नीला थोथा, ये पानी के अंदर भगोया पड़ा है। अब हम इसे डालेंगे बैंगन की फसल के अंदर, चलते पानी के अंदर इसे फ्लड कर देंगे। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये पौधे को मरने से बचाता है, यानी कि फंगल अटैक से बचाता है, दूसरा इस बैंगन का कलर शोक बना देता है। अब लेके चलते हैं इसे उठा के, ये हल हो चुका है। दोस्तों नीला थोथा बैंगन के अंदर फ्लड करेंगे,
जो कि फंगल अटैक्स से बचाएगा, और दूसरा जो बैंगन का कलर है, फ्रूट का कलर है, वो शोक बना देता है, जिसकी वजह से मंडी के अंदर डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है। ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर हो तो वही कस्टमर को खींचता है अपनी तरफ। तो जो गोभी लगानी है जिस एकड़ के अंदर, वहाँ पे हम नाइट्रोफास फ्लड कर रहे हैं, और बैंगन की फसल के अंदर हम नीला थोथा फ्लड कर रहे हैं। दोस्तों ये देखें पानी ऊपर से जा रहा है, तो हमने सोचा कि ड्रम को नीले थोथे से भर के, मतलब नीले थोथा डाल के पानी से भर के, तो यहाँ पे भी बैंगनी फसल के अंदर ही पानी फ्लड करते हैं। क्योंकि एक एकड़ पीछे गोभी की जहाँ पे गोभी हमने काश करनी है, मतलब शिफ्ट करनी है पनीरी, वहाँ पे चल रहा है पानी। तो ये वाटर चैनल थोड़ा सा छोटा है, जिसकी वजह से कवर नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर छोड़ रहे हैं। ये लो नीला थोथा, इसको डालो ड्रम के अंदर और फिर इसमें, हाँ जी बंद है टूटी, एक दफ़ा पानी डाल के अच्छी तरह पलटी के धो लो, फिर ड्रम के अंदर पलट दो। दोस्तों गोभी का पानी पूरा हो चुका है, अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं नक्का। ये ड्रम भी खाली हो चुका है नाइट्रोफास जिसने फ्लड की थी, ये इतना पानी लगाया है। अब यहाँ से पानी कर दिया है बंद। दोस्तों अब चल रहा है पालक के अंदर पानी, पालक के अंदर हम डालेंगे यूरिया खाद और ये वाला होमिक एसिड। होमिक एसिड को खोलता हूँ यहाँ प्लास से, क्योंकि ये ढक्कन नहीं खुलता ऐसे। ये खुल गया,